नमस्कार साथियों, सलूम भरलाई में आप सबका स्वागत है। साथियों, ना कोई आज भाजपा का था, ना आज कोई कांग्रेस का था, ना आज कोई हिंदू था, ना आज कोई मुसलमान था। साथियों, आज का दिन बड़ा ही गौरवान्वित करने वाला दिन था। आज सभी ने अपने भारतीयता का परिचय देते हुए जोश खरोच से अपनी देशभक्ति का जज्बा सब में आज जाग उठा था। और आज हमारे सलूम भर में 9वीं बटालियन, जो मेवाड़ की बटालियन है, रिजर्व फोर्स है, उस फोर्स ने आज सलूम्बर में जैसे एंट्री की, आज सारे नगरवासी भारतीय बनकर इन सारे वीर जवानों का स्वागत में, उनके सत्कार में लग गए, उनके नमन, उन सब को नमन किया। कहीं पुष्प वर्षा तो कहीं पटाखों से उनका स्वागत हो रहा था। और ये आप देख सकते हो, अभी कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं और ये विकास मंच के कार्यकर्ता भी स्वागत करने के लिए मौजूद हैं। तो सर्वप्रथम ये सूरज पोल से ये सारे जवान एंट्री हुए और वहाँ से सभी संगठनों ने उनका स्वागत किया। काचा समाज, खटिक समाज, भोई समाज, हरिजन बस्ती, विद्यार्थी परिषद, इन सभी संगठनों ने वहाँ पर सूरज पोल पे सबसे पहले इन सैनिकों का स्वागत किया था, इन वीर सपूतों का स्वागत किया। उसके बाद में ये बाहर का शहर लोहार समाज और मुस्लिम समाज ने भी इनका, आप देख सकते हो, पुष्प वर्षा की और इनका स्वागत किया। उसके बाद में ये आप देख सकते हो, अभी मुस्लिम समाज बारकर शहर, इन्होंने भी आज पुष्प वर्षा कर इन जवानों का स्वागत किया। इसके पहले लोहार समाज ने भी इनका स्वागत किया पुष्प वर्षा करके। आप देख सकते हो, ये सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए सारे जवान हमारे। उसके बाद में ये गांधी चौक से होते हुए फिर ये होली चौक पहुँचे। होली चौक में कांग्रेस के पार्षद, नेता, चेयरमैन और इन्होंने भी इनकी पुष्प वर्षा के साथ इनका स्वागत किया। और इनके साथ में सलूम भर विकास मंच के कार्यकर्ता ही मौजूद थे, जो इन सभी वीर सपूत जवानों का स्वागत कर रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं। ये देख सकते हो आप, अभी आज़ाद मोहल्ले में भी ये जवान आज़ाद मोहल्ले से गुजर रहे हैं। यहाँ पर क्षत्रिय महासभा और क्षत्रिय राजपूत महासभा एवं आज़ाद मोहल्ला के कार्यकर्ता बंधु ये सभी इनकी पुष्प वर्षा कर रहे हैं। और आप ये देख सकते हो, हाथ जोड़ के ये सभी जवान हाथ जोड़ के सबका अभिवादन स्वीकार भी कर रहे हैं। ये आपको भी वीडियो में देख रहा है, ये भी आज़ाद मोहल्ले से गुजर रहे हैं ये सारे हमारे वीर सपूत मेवाड़ बटालियन के जवान। ये आप देख सकते हो, क्षत्रिय राजपूत महासभा और आज़ाद मोहल्ले के निवासी इन सभी वीर सपूतों का पुष्प वर्षा कर स्वागत कर रहे हैं। इसके आगे माहेश्वरी समाज ने भी इन जवानों पर पुष्प वर्षा की, इनका स्वागत किया। ये आपको दिख ही रहा है, इसमें ये कांग्रेस के लक्ष्मीकांत जी और ये वाइस चेयरमैन अब्दुल रऊफ अपने साथी कार्यकर्ताओं के साथ में, इन जवानों के साथ में, और फिर ये माहेश्वरी समाज और माहेश्वरी मोहल्ले से होते हुए ये फिर रावले में पहुँचे, रावले शहीद स्मारक पहुँचे। यहाँ पर इन्होंने शहीद स्मारक पर इन्होंने पुष्प भी चढ़ाए इन सपूतों ने। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, शिक्षक संघ ने भी यहाँ पे अपना गेट लगाया है और शिक्षक संघ भी इन जवानों का स्वागत करने पहुँचा। तो ये आप देख सकते हो, ये सारे जवान टावली पोल के अंदर जो हाड़ी रानी स्मारक है वहाँ पहुँचे और सभी ने यहाँ पे सबसे पहले हाड़ी रानी की इस जो मूर्ति आप देख सकते हो यहाँ पे, इन्होंने पहले सभी यहाँ पे बैठे, इन्होंने नमन किया। उसके बाद में इन्होंने यहाँ, ये आप देख सकते हो, ये सारे जवान इस हाड़ी रानी की मूर्ति स्टेचू के नीचे बैठे हुए हैं। आपको दिख ही रहा होगा, इसके अंदर ये आपको दिख रहा होगा। तो सभी समाज और लगभग सभी, आप ये देख सकते हो सलूम भर की जनता में कितना उत्साह है, कितनी भीड़ लगी हुई है, क्या बच्चे, क्या नौजवान, क्या महिलाएं, हर एक इन वीर सपूतों से बात करने में उत्सुक है, उनसे बातें कर रहा है, उनके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और सारे देशभक्ति से भरे हुए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे इस वीडियो में, ये रावली पोल के अंदर का ये दृश्य है। आप देख सकते हो लोग इनसे बात कर रहे हैं, इन हीरो के साथ में, अपने हीरो के साथ में लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। इसके बाद ये सारे जवान हाड़ी रानी महल के अंदर पहुँचे हैं, वहाँ पर ये आप देख सकते हो सारे जवान एक एक करके हाड़ी रानी महल के अंदर पहुँचे। यहाँ पे हाड़ी रानी गौरव संस्था
के जो संरक्षक है वही राम जी सुथार, ये भी इनके साथ में अंदर पहुँचे और इन्होंने इन जो बटालियन के जवान थे उनको हाड़ी रानी के इतिहास के बारे में बताया, जो भी आपको मैं आगे इस वीडियो में दिखाने भी वाला हूँ मैं। तो ये देख सकते हो सारे, ये आप देख सकते हो वेणी राम जी सुथार हाड़ी रानी गौरव संस्थान के संरक्षक भी हैं, जो इन जवानों को हाड़ी रानी के इतिहास के बारे में इनको बताया। ये आप देख सकते हो हमारे जवान, आज इन्हीं की वजह से हमारा देश सुरक्षित है। आज हमारे देश में चाइना और पाकिस्तान जैसे दुश्मन मौजूद हैं हमारे पड़ोस पे, हमारे भारत देश के पड़ोस पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर पत्रकार बंधु भी मौजूद हैं, सुरेश जी भी हैं, भावेश जी भी हैं, अतुल जी भावसार भी हैं, नवीन जी लोहार भी हैं, आपको दिख रहे होंगे मैं भी इस वीडियो में। और उसके बाद में बाण माता परिसर में यहाँ पे ये सारे जवान पहुँचे। यहाँ पे बाण माता मंदिर मंडल समिति के अध्यक्ष किरीट भाई पटेल की नेतृत्व में आज इन जवानों का स्वागत किया गया और इन जवानों को फल भी वितरित किए गए, इन जवानों को फलाहार भी कराया गया बाण माता मंदिर मंडल समिति की ओर से। आप देख सकते किरीट भाई पटेल और उनके साथी मौजूद हैं, उनकी कार्यकारिणी के सभी साथी मौजूद हैं, पवन जी पटेल, आप देख सकते हो इन सभी जवानों का अभिवादन कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना।